इस संसार के अंदर आपको नजर आते होंगे कि जो लोग मंदिर जा रहे हैं वो परेशान रहते हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं परेशानी आती है, ध्यान करते हैं परेशानियां आती हैं, अच्छे चरित्र के साथ रहते हैं परेशानियां आती हैं, समाज के सहायक होते हैं परेशानियां आती हैं, अपने जीवन को ईमानदारी के साथ चलाते हैं परेशानियां आती हैं, लेकिन बुरे लोग जो मौज मस्ती करते हैं, क्लबों में जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनका चरित्र सही नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं और इन सब से दूर रहते हैं, तो वो सुखी रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ये आपका देखने का नजरिया, बहुत लोग मुझे बोलते भी है ऐसा कि जी हम तो भजन कर रहे हैं लेकिन दुखी हो जाते हैं। ये जो नजरिया आपका है कि हम मंदिर में जाएंगे सुखी हो जाएंगे, हम समर्थ सिद्धों के पास जाएंगे सुखी हो जाएंगे, छोटे छोटे रोगों को लेकर के, छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर के आप जाते हो, ये पूरी भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विषय क्या है कि वो लोग परेशान क्यों होते हैं? वो जो मांगते हैं छोटी वस्तुएं मांगते हैं। ये जो मंदिर समर्थ गुरु सिद्ध संत, ये परमात्मा की प्राप्ति, वो रास्ता दिखाना, संसार से ऊपर उठाना, ब्रह्म की ओर मोड़ देना, जीवों को जगाना, जीवों को प्रेरित करना, उस स्थिति तक ले करके जाना, ये कार्य इनका होता है। मंदिर भी जो तैयार किए गए ध्यान के लिए तैयार किया गया वो केंद्र है, ऊर्जा से भरा हुआ वो केंद्र है, लेकिन हम अंदर में उस ऊर्जा को घुसने नहीं देते, ध्यान नहीं करते। वो लोग मौज को ले रहे हैं, वो आपको लग रहा है। जब आप उनके नजदीक जाओगे, कोई टेंशन के कारण से शराब पी रहा है, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई अपने स्टेटस को छुपाने के लिए, अब दिखावा करने के लिए कुछ कर रहा है, कोई अपने अंदर के दुख को छुपाने के लिए नकली हंसी हंस रहा है, कोई वेश्याओं का सहारा ले रहा है अपने मन को दुख से बाहर निकालने के लिए, कोई नशे का आदि हो गया है, इसी प्रकार से वो लोग जब आप देखेंगे कि ये अरे ये इतना परेशान आदमी है, तो आपको अनुभव होगा कि हम तो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, इनको देख के हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है, ये क्या हो रहा है। और रही बात ऐसे लोगों की, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म की गति टारे नहीं टरे, कर्म की गति को नहीं टाला जा सकता। कोई समर्थ महापुरुष, कोई पृथ्वी के ऊपर विरला योगी टाल सकता है, लेकिन वो क्यों टालेगा? तो जो ये कर्म कर रहे हैं इनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर उस परमात्मा की कृपा बरसती है कि आपकी मौत होती है और मौत को वो टाल करके थोड़ी सी चोट में बदल देता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कर्म में भूखा मरना लिखा हुआ है,
मात्र एक उपवास मात्र से वो उसको निपटा देता है कर्म को। कहीं आपको दुख और कष्ट लिखा होता है, वो उठा करके अपनी दया दृष्टि से मात्र थोड़ा सा खोच मात्र से आपको उस चीज से बाहर निकाल देता है। लेकिन आप इस चीज से संतुष्ट नहीं कि हमारी जान बच गई, क्योंकि आप अपने कर्मों को नहीं देख पा रहे हैं जो पिछले जन्मों में किए गए हैं, उनको नहीं देख पा रहे। अगर आप उनको देख पाते तो देखते कि इन कर्मों का कितना प्रभाव हुआ है, आज क्या कर्म आएगा आगे, कल क्या आया था, परसों क्या कर्म आएगा, इस प्रकार से जब देखते, सिद्ध योगी लोग देख सकते हैं, वो बोलते भी हैं, दिखा भी देते हैं, बता भी देते हैं, समझा भी देते हैं, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते वो अलग है, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो हस्तक्षेप भी कर देते हैं और आपकी जान को बचा लेते हैं। तो आपको जो लोग सुखी नजर आ रहे हैं, जो खुशहाल नजर आ रहे हैं, वो अंदर से भी अकेले हैं, संसार में भी अकेले हैं, जीवन में भी अकेले हैं, और ध्यान उन्होंने किया नहीं, नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ऊपर भी उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, वहां भी वो जहां नरकों की लाइन है, जहां यम का द्वार है, वह लाइन में खड़े आपको नजर आएंगे। आप एक बार कर्मों को देखने वाले बंद हो जाइए, आप उस परम तत्व को पाने के लिए कोशिश तो कीजिए, आपका एक बार उस नाम को जपना कोट कोट अपराध, करोड़ों करोड़ अपराध को काट देता है। एक घड़ी आधी से पौनी आध तुलसी, एक पल सुमरन से कटे कोट कोट अपराध, कि करोड़ों करोड़ जो अपराध किए गए हैं, एक बार मात्र एक बार उसका नाम पुकारने से, लेकिन नाम भाव के साथ जुड़ा हुआ हो, नाम प्रेम के साथ जुड़ा हुआ हो, नाम हृदय के साथ जुड़ा हुआ हो, आपके करोड़ों करोड़ अपराध एक पल में जैसे रुई को एक पतंगा सब जला देता है एक पल में, उसी प्रकार से आपके करोड़ों करोड़ अपराध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो इन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किया है वो अपना समाप्त करके उस ऊर्जा को सही दिशा में न ले जा करके गलत दिशा में इसका प्रयोग करके इस जन्म की भी हानि हो गई, अगले जन्म की भी हानि हो गई, पीछे जो बैंक में इन्होंने इकट्ठा किया था पुण्य वो भी नष्ट हो गया, न इधर के न उधर के। तो अब आपके सामने है सब कुछ, कौन सुखी है कौन दुखी है, आप सुखी हो या ये सुखी है।